गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम्स ऑन पोजीशन ऑफ सॉलिड्स। अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 50 mm एंड एक्सिस 70 mm लॉन्ग इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर ऑन द HP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। हम पढ़ रहे प्रॉब्लम ऑन द कोन। आपको दिया हुआ है कोन बेस डायमीटर 50 mm, एक्सिस 70 mm लॉन्ग एंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर ऑन द HP। ड्रॉ पोजीशन बोला, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर ऑन द HP बोला। ड्रॉ पोजीशन, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कोन ड्रॉ करना है रेस्टिंग ऑन द HP। तो वेट पर माउंटिंग ऑन द HP, तो आपका जो सर्कल पोर्शन जो नीचे आएगा और ट्रायंगल ऊपर आएगा। तो मैंने पहले मेरा फर्स्ट एज ड्रॉ कर दिया, जिसमें मैंने सर्कल ड्रॉ किया, उसमें नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। सर्कल ड्रॉ कर दिया, मैंने इसका नाम दे दिया है ओके। उसका मैंने फ्रंट टू ड्रॉ कर दिया, तो ट्रायंगल शेप है ना। मेरा यहाँ पे बेस का नाम है 1-2-3-4-5-6-7-8 का, जो मेरा डैश होगी मेरा फ्रंट व्यू और मेरा ओ डैश है मेरा कोन का, मेरा स्टेज वन हो गया, स्टेज वन हो गया ठीक है क्लियर। मेरा डायमीटर 50 का और मेरा एक्सिस 70 का लॉन्ग ठीक। अभी मुझे स्टेज टू ड्रॉ करना, आपको बोला रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर का, सिंपल ये ओके। आपको जब भी बोलेंगे रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर, आपको क्या करना है, आपको जो है ना 1-4-5 आपका होगा जनरेटर, आपको इस पर रखना है एक्स वाई एंगल। क्या करना है, आपका सबसे 1 पॉइंट मेरा 1-पॉइंट है, आपको 1-4-5 लेना है कंपास पे, आपको यहां से मारना है, ये मेरा हो गया O' ठीक है। आपको भी करना क्या है, आपको 1-5 जो ना आपको डिस्टेंस का कंपास में ओके 1-5 का डिस्टेंस आपको 1 से मारना है कंपास ठीक है। आपको यहां पे आपने 1-5 मारा यहां से, आपको 2-5 मारा यहां से, आपको लग गया आपको जॉइन करना वापस से, आपका उड़ेगा ट्रायंगल, आपका आपका ट्रायंगल बन जाएगा। आपको यहां से बाकी जो पॉइंट्स आपको मारना है इस वाली लाइन पे, मेरा 1-7 को मारना पहले, मैंने आपको पॉइंट मार्क कर दिया 1-7। ये मेरा एक्सिस का लाइन है, तो आपको एक एक्सिस मिलेगा ना, लॉन्ग शॉट बोला एक्सिस ड्रॉ कर दे। आपको 1-2 मारना है यहां पे, आपको 5-4 मारना ठीक। आपका 1 हो गया, मेरा 2-3-4-5-6-7-8। तो मैंने मेरा कोन रख दिया है ऑन द वन ऑफ इट्स जनरेटर ऑन द HP ठीक है। आपको सारे पॉइंट से पोजीशन लाइंस ड्रॉ करना है, तो मैं यहां से क्रीज में ड्रॉ करूंगा मेरा वन का पोजीशन से, 3-7 का है, 6-4 का है, तो मेरा 5 का पोजीशन से मैंने सारे पॉइंट से पोजीशन ड्रॉ कर दिए हैं। अब जो एक्सरसाइज में काट दी है, अब रूल क्या है, फर्स्ट यू लोकेट योर पॉइंट्स ओके। मेरा ओ पॉइंट यहां से, मेरा ओ पॉइंट जाना यहां से, मेरा ओ मेरा 1 पॉइंट यहां से जा रहा है, मेरा 1 यहां से, मेरा हो गया 1 पॉइंट। मेरा 2 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 2 यहां से, मेरा हो गया 2 पॉइंट। मेरा 3 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 3 आ रहा है यहां से, मेरा 3 पॉइंट। मेरा 4 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 4 यहां से, मेरा हो गया 4 पॉइंट। मेरा 5 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 5 आ रहा है, मेरा 5 पॉइंट। मेरा 6 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 6 आ रहा है यहां से, मेरा 6। मेरा 7 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 7 पॉइंट यहां से, मेरा 7 पॉइंट। मेरा 8 पॉइंट जा रहा है यहां से, मेरा 8 पॉइंट मार रहा है। मैं सारे पॉइंट कवर कर दिए। अब रूल क्या है, फर्स्ट यू ड्रॉ द आउटलाइन फर्स्ट ओके। तो मेरा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है 3 और 7 से बाहर फैले हुए, आपको 3-2-2-2-2-1-1-2-8-8-2-7 आपको डार्क करना है, 7-2-0 एंड 3-2-0 को डार्क जो आउटलाइन है बाहर। मैं यहां पे मैंने 3-2-2-2-2-1-1-2-8-8-2-7 डार्क कर दिया ठीक है। आपको अगर स्मॉल कलर कौन से, आपको स्मॉल सा कलर ड्रॉ करना है ठीक है। आपको 3-2 को आपको ज्वाइन करना है, आपको 3-2 ज्वाइन करना है टेंजेंशियल ऐसा जबरदस्ती नहीं, आपको टेंजेंशियल ड्रॉ करना है ठीक है। तो 3-2 जो 3-2 ज्वाइन करना है टेंजेंशियल, आपको 7-2 ज्वाइन करना है टेंजेंशियल ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ऑब्जर्वर मार्क करना है, आपको ऑब्जर्वर का आपको ऊपर में ठीक है। फॉर दिस ऑब्जर्वर इन दिस केस में अगर मेरा रहेगा जनरेटर के ऊपर, तो इन दिस केस में मेरा ऑब्जर्वर के लिए मेरा जो बेस है थोड़ा विजिबल है, क्योंकि स्लैंट शेप इस शेप में, तो व्हेन अगर आपका ऐसा शेप रहेगा आपका ऑब्जर्वर के लिए थोड़ा विजिबल है, तो मेरा जो बॉटम बेस है 1-2-3-4-5-6-7-8 पूरा विजिबल है, आपको उसको डार्क करना है। मेरा 3-4, 4-5, 5-6 और 6-7 पूरा डार्क होगा ठीक है, हो गया इतना। फिर आपको जाना है जनरेटर के तरफ, आपको कोई भी दो जनरेटर डार्क करना है, जैसे मेरा O23 और O27 डार्क हो गया तो हो गया, चलो कोई टेंशन नहीं।
आपको O25 O27 की जरूरत नहीं, आपको कोई भी दो जनरेटर्स डार्क करना है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा पे O23 और मेरा O27 डार्क हो चुका है, तो मुझे अभी O25 और O21 की जरूरत नहीं, आपको कोई भी दो जनरेटर्स डार्क करना है, और बाय डिफॉल्ट कोन के अंदर दो मेरा ऑलरेडी डार्क हो गया, तो ये मेरा हो गया स्टेज 2, ये मेरा हो गया स्टेज 2 अपने ड्रा कर दिया, ये मेरा हो गया फ्रंट 2, ये मेरा हो गया टॉप 2, ठीक है। हमको प्रॉब्लम दिया था कोन डायमीटर 50 mm का, एक्सिस 70 mm लॉन्ग था, रेस्टिंग ऑन वन ऑफ हिज जनरेटर दिया था, हमने उसको टॉप कर लिया। आपको ये वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में हमेशा कौन रेस्टिंग ऑन द जनरेटर ऑन द एचपी और वीपी पूछते हैं। मैंने एचपी पे ड्रॉ कर दिया, आप वीपी वाला माउंटिंग का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।